जो आपको नहीं लगता जो चिराग पासवान अजीत अनम मांझी अगर आपके साथ नहीं रहते तो शायद उससे भी बदतर स्थिति आपका बिहार में होने वाला था। ना जेल होगा ना बेल होगा, सीधे प्रभु से मेल होगा। वो कर रहा है या 400 के आंकड़ों को छू रहा है, तो कहाँ ये आंकड़ा है सर, है कहाँ को चुप हुई है, कहीं पर चुप हुई है। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टूडियो रूम में, और हमारे साथ मंडल प्रवक्ता विद्यापति नगर बीजेपी का मुकेश कुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। आज चुनावी जो नतीजा आया है, इन नतीजों पर हम दो टुक बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मुकेश जी हमारे चैनल। धन्यवाद। चलिए, तो जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा अभी आया है सामने आया है, जिसमें काफी आप एक बीजेपी का एक जो कार्यकर्ता, जो पंचायत लेवल कार्यकर्ता है या राष्ट्र लेवल के नेता हो, ये बड़े बड़े नेता हो, दिग्गज नेता हो, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा एक बार दावा किया जा रहा था जो 400 पार, और विभिन्न जो मीडिया चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, उस पर भी दिखाया जा रहा था जो आकलन, जो पहले एग्जिट पोल जो आया था, एग्जिट पोल में भी दिखलाया जा रहा था जो 400 पार है, बीजेपी 400 के आंकड़ों को क्रॉस कर रहा है या 400 के आंकड़ों को छू रहा है, तो कहाँ ये आंकड़ा है सर, है कहाँ ये? देखिए, कोई भी आदमी टारगेट बड़ा ही लेता है, ठीक है। जब कोई बच्चा पढ़ाई ही करता है तो उसके माता पिता या शिक्षक कहते हैं कि आप IAS बनो, IPS बनो, ठीक है। IAS IPS नहीं बना तो SDO कम से कम बन गया, वीडियो बन गया। यदि कोई टारगेट ही रखेगा कि तुमको प्यून ही बनना है तो प्यून बना, प्यून नहीं बना तो जीरो पे आ गया। दूसरी चीज़ है कि 400 पार यदि नहीं हुआ है तो इसके लिए जो है विपक्ष को करारा तमाचा पड़ा है। विपक्ष को करारा तमाचा इसलिए हम बोल रहे हैं कि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाते रहता है कि EVM हैक। यदि EVM हैक रहता तो 400 पार या 500 पार भी होता। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्या जब से NDA की सरकार हुई है तो वहाँ पर चाहे CBI हो या ED हो या फिर मीडिया कर्मी हो या चुनाव आयोग हो, सब निष्पक्ष रूप से बिना दबाव के, बिना प्रेशर के काम करते हैं। तो ये 400 पार नहीं हुए हैं, 290-295 के आसपास हैं, तो इस पर विपक्ष को करारा तमाचा है। कोई EVM हैक नहीं है, जनता ने जितना मुझे वोट दिए। अयोध्या में सर, अयोध्या में जिस तरह से सर काम हुआ, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हुआ या अन्य तरह के जो विकास पिछले कई दशकों में जो विकास नहीं हुआ, वो विकास ने बीजेपी ने किया, लेकिन आखिर UP में इतना करारा धमाचा बीजेपी को, इतनी बड़ी हार UP में, ये कैसे? देखिए, वहाँ की हार को हम मानते हैं कि वहाँ पर हमारी कुछ चूक हुई है, उसको हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर मेरी चूक हुई है। क्योंकि योगी जी के सरकार में जितना बेहतरीन काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है क्या, वहाँ पर जो क्राइम जो है जीरो पर आ गए हैं। योगी जी का एक हमेशा नारा रहता था, ना जेल होगा ना बेल होगा, सीधे प्रभु से मेल होगा। वो किसके लिए था? जो असामाजिक तत्व के व्यक्ति हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं। यानी आप मानते हैं जो योगी जी का जो ये नारा था ये गलत नहीं? कहने ये नारा आपको लॉस पहुंचा? नहीं, ये नारा एकदम सही था। आप जिस तरह से यूपी का स्थिति, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपको तो हर जगह के जानकारी है, आप ये उनको बता दीजिए कि इससे पहले क्या स्थिति था। वहाँ पर किसी के भी घर को मान लीजिए दखल कर लिया जाता था, किसी के भी लड़की के साथ मान लीजिए जायज नाजायज हो जाता था। इस तरह का तो नारा देना कहीं ना कहीं, मतलब ये स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, जनता का जनादेश एक ये जाना जो नहीं, न जेल होगा न बेल होगा, सीधे प्रभु से मेल होगा। तो ये जनता जनादेश, मैंने जनता का जनादेश जो दे रहे, ऐसा नहीं कि उल्टा पड़ गया उनका? नहीं, जनता ने इस बात को मान लीजिए समर्थन दिए हैं कि जो व्यक्ति असामाजिक तत्व से समर्थन आखिर समर्थन है कहाँ? देखिए, सुपरा साफ लग रहा है, समर्थन है तभी तो मुझे उतना सीट आया, ठीक है। कि वहाँ पर मैं सुपरा साफ नहीं कर सकते हैं ना, सुपरा नहीं कर सकते हम 50% एक पूर्ण बहुमत। यहाँ पर मैं सर ये 14 देख लीजिए सर, 19 देख लीजिए, और ये 24 में इस तरह का, हम जहाँ तक समझ रहे हैं इस तरह के पूर्ण बहुमत वाली सरकार को 24 में इस तरह का नतीजा देखने को मिला, तो सुपरा साफ ही कह सकते हैं? नहीं, देखिए, उस पर हम समीक्षा करेंगे, हम लोग मान लीजिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा समीक्षा होंगे कि कहाँ पर ये कमी हुए हैं। लेकिन ये जो जेल और बेल वाला बात है वो एकदम सही था, वहाँ पर क्राइम चरम सीमा पर था। समय का पाबंदी है, थोड़ा बिहार पर आ जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी जिस तरह से आपकी जीत हुई है, बिहार में हम ये कहेंगे यूपी के मुकाबले बिहार में आपकी जीत हुई है, तो बिहार में फिर भी महा इंडिया गठबंधन को 7 सीटें ही जाती हुई दिख रही है, बाकी सीट आपके झोली में। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है जो आप दलितों का जो पिछड़ों का जो सीट था, दलितों का जो सीट था, वो कहीं ना कहीं आपका जिस तरह से जो दुर्दशा हुई है यूपी में आपकी है, क्या लगता है जो आपको नहीं लगता है जो चिराग पासवान अजीत अनम मांझी अगर आपके साथ नहीं रहते तो शायद उससे भी बदतर स्थिति आपका बिहार में होने वाला? देखिए,
रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी राम जी हैं तो चिराग पासवान हनुमान हैं। राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम नहीं, तो नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होता है। आप देखते होंगे हमेशा मीडिया के सामने में हो या जहाँ भी, हनुमान तो राम का नाम लेते हैं, ठकते नहीं है, लेकिन राम तो कभी हम नहीं देखे हैं हनुमान का नाम। वो तो हमेशा दिल से बोलते हैं, वो दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जब भी कोई मन साझा करते हैं तो गले लगाते हैं, जैसे रामचंद्र जी हनुमान को गले लगाते थे उस तरह से माने नरेंद्र मोदी। कांग्रेस को लेकर जनता में ये सवाल है अभी भी, आपको नहीं लगता ना? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जितनी रैलियां किए, जितने रोड शो किए, इसके मुकाबले एक भी चुनावी नतीजे के, मैं माफी चाहूँगा, चुनावी कैंपेन के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता जो प्रधानमंत्री को ये कहीं नहीं लॉस किए? देखिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमेशा मीडिया के सामने आपको जनसभा को संबोधित तो करते ही रहते थे, ऐसा नहीं है कि जनसभा को नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज़ होगा, जनसभा को संबोधित करना एक अलग चीज़ होगा। वो आपकी बातों को दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया, जो भी, ठीक है, उसका कोई ऐसा जरूरत महसूस नहीं हुआ। यदि होता तो मान लीजिए जोर जरूर किया जाता, कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो नरेंद्र मोदी हमेशा जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। जिस तरह से आपने सीट उपलाया है, लेकिन उस तरह से बंगाल में आपको सीट देखने को, वहाँ पर टीएमसी के द्वारा जो है दिग्भ्रमित किया गया है, अल्पसंख्यक बंधुओं को दिग्भ्रमित किया गया है कि यदि बीजेपी आएंगे तो आरक्षण आपको माने के भगा दिया जाएगा। लेकिन मैं ये आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जितना हिंदुओं को अधिकार है, उतना ही मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी है। जब देश की आज़ादी हुई थी तो अबुल कलाम साहब ने माने कि जामा मस्जिद के फ्लोर पर खड़े होकर बोले थे कि ए मुसलमान भाइयों, तुम इस मादरे वतन को छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? यह भारतवर्ष की भूमि है, यह तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का अधिकार है, तुम देश छोड़ कर नहीं जाओ। जिस देश, जिस मुसलमान भाई ने इस देश को मादरे वतन समझ के इस देश को माने कि इस देश में रहने का काम किया है, उस देश में हिंदुओं को जितना अधिकार है उतना मुसलमानों को भी अधिकार है। लेकिन वहाँ पर टीएमसी वालों ने बांग्लादेश की घुसपैठी को, नेपाल की घुसपैठी को बसा देने का काम किए हैं और सभी को माने कि हमेशा डराने का काम करते हैं कि यदि यहाँ पर बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी तुम लोगों को बाहर कर देंगे। वहाँ पर दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं। कोई थोड़ा सा लॉस हुआ है वहाँ पर भी हम समीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर माने कि बेहतर माने कि बहुमत, सर एक क्वेश्चन है, सवाल है कि पूर्ण बहुमत नहीं, आप पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, बहुमत के करीब भी खुद नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसको लेकर 272 का बहुमत है मेरे पास, तो 290 से 95 तक है, दो चार वो अभी आगे पीछे हो रहा है, इसलिए मैं 90-95 की बात कर रहा हूँ, 290 से लेकर 95 तक इसको पूर्ण। कांग्रेस जिस तरह से इस चुनाव में जो लग रहा था बीजेपी को, उस तरह से कांग्रेस में जो कुछ बागी नेता होंगे या कुछ ऐसे नेता थे जो आपके पार्टी में आए सम्मिलित, देखिए नहीं वो आपके पार्टी में आए, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, अगर इनके नेतृत्व में बिहार में अगर आपका चुनाव न लड़ा जाता तो स्थिति तो और भी आपके लिए चैलेंजेस होते। देखिए, अगर मगर का तो कोई उसका आंसर नहीं है, अगर भारत का विलय पाकिस्तान में हो जाए, भारत का चीन में हो जाए, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो सम्राट चौधरी जी वो मिलने के लिए गए थे, फिर भी वहाँ से माननीय नीतीश कुमार नहीं मिले उनसे, कोई उनका बिजी हो गए इसलिए माने कि नहीं मिले। अब कोई आदमी मिलने के लिए जाएंगे, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मिल ही लेंगे, किसी कारण बस नहीं होंगे, इस कारण से नहीं मिले होंगे, घर पे ही, घर पर थे, लंच का एक बहाना बनाया गया, लंच के बहाना को लेकर, अगर लंच ही था या कोई अन्य काम था, रुकने के लिए बोला जा सकता था, लेकिन वहाँ से रिटर्न होना ये क्या संकेत दे रहे? देखिए, वहाँ पर ज़्यादा समय वहाँ पर व्यतीत नहीं कर सकते थे सम्राट चौधरी, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय में नीतीश कुमार जी बात करने के पोजीशन में नहीं होंगे। अभी सभी व्यक्ति का अपना अपना हेल्थ होता है, उस समय बात करने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए माने कि उन्होंने बात नहीं की, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी जिस तरह का जो सिचुएशन बना है, जिस तरह की सीटें आपको मिला, तो आपको नहीं कहने का लगता अगर नीतीश अगर आपके साथ में रहते हैं तो फिर आपका पलड़ा बहुत ही नीचे झुकने वाला? देखिए, इससे पहले मैंने बोला कि अगर और मगर का तो कोई माने कि स्थान ही नहीं है, अगर ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता तो ये होता, इसलिए इसको कोई इसमें बात में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार जी
ने बीजेपी का साथ मान लीजिए आए हैं, हम लोगों ने साथ से मजबूती से इसमें 2024 का चुनाव लड़े हैं और जितने भी सहयोगी पार्टी हैं सब मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े हैं। जो विपक्ष का भूमिका होना चाहिए वो अब दिखने को जा रहा है। ये सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, आप विपक्ष की भूमिका में आएंगे या सरकार बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन इन जवाबों से वो हटते हुए नजर आए थे। तो क्या लगता है जो नीतीश कुमार से बातचीत करने के प्लान में है राहुल गांधी? देखिए वो सवालों से भाग रहे हैं तो आपका एड्रेस ही गलत है। आप मान लीजिए उनसे पूछिए कि आप सवालों से क्यों भाग रहे थे। दूसरी बात है, सवाल से इसलिए भी भाग रहे थे कि सब दिन वो सत्ता पक्ष में थे, आज विपक्ष में हो गए हैं, इसलिए भी भाग रहे होंगे कि क्या जवाब दूंगे। उन्होंने बोला कि हम अपने जो इंडिया गठबंधन हमारी है उनसे हमारी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद हम कहेंगे जो विपक्ष में हम भूमिका निभाएंगे या सरकार। वो तो आपस में उन लोग का बात करने का चीज़ है कि बात करने के बाद मान लीजिए राहुल गांधी जी तो अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनको तो जो जनरल जानकारी है उस जानकारी की तो कमी है। जब तक वो अपने पार्टी से नहीं बात करेंगे कि मुझे क्या मीडिया में बोलना है, तब तक वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उन्होंने बात काट के मान के निकल गए। मैं इस भड़काई को चुप हुई है, कहीं पर चुप हुई है, समीक्षा करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग आगे समीक्षा करेंगे और अगला जो चुनाव होगा चाहे वो विधानसभा के हो या फिर अगला लोकसभा में हो, इस चीज़ की भरपाई हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे मुकेश कुमार चौधरी जी जो मंडल प्रवक्ता है विद्यापति नगर से। जो आपने जो बातचीत हमारी हुई मुकेश जी से वो आपको कैसा लगा निश्चित रूप कमेंट में बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, दृष्टि न्यूज़ विद्यापति नगर।